सो कैन यू सी द बी लिम्फोसाइट्स? तो ये जो बी सेल्स है ये भाई शांति से बैठे हुए थे, सो इनको देख रहे थे कि मैं किसको जुगाड़ करके इसके अंदर चिपका दूं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या बैठा हुआ है, एंटीबॉडीज बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? एंटीबॉडीज। कैन यू सी एंटीबॉडीज? कैन यू सी एंटीबॉडीज? अरे वाई शेप का कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ, तो वो एंटीबॉडीज है। और ये जो हरा कलर का है वो क्या है, एंटीजेन है। क्या है? एंटीजेन, ठीक है। एंटीजन। हाँ, तो बैक्टीरिया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, द बी सेल्स फाइंड एन एंटीजेन विच मैच इट्स रिसेप्टर। तो जो भी मैच हुआ रिसेप्टर के साथ तो सबको उसने क्या किया, चिपका लिया। ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं, नहीं हो रहे। नहीं हो रहे दोनों मैच, नहीं हो रहे दोनों मैच, नहीं हो रहा है। तो दोनों ने चिपके, जो मैच हुआ उसको चिपका लिया इसने, ठीक है। अंडरस्टूड। सेकेंड, इट वेट्स अंटिल इट इज एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। तो बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट को किसने एक्टिवेट किया था? मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जरा आप लोग पढ़ोगे मैंने आप लोगों को बिल हेल्पर सर टी सेल्स में क्या लिखाया है? हाँ सर, रीड, एनीवन रीड, रीड करो मैंने क्या लिखाया है हेल्पर टी सेल में। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल प्रोड्यूसेस लिम्फोकाइन बाय परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक प्रोलिफरेशन, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट कौन करता है? तो हेल्पर टी सेल्स। बोलो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ करेगा क्या बी लिम्फोसाइट? कुछ नहीं करेगा ना। नहीं, तो इसको कौन सी सेंसिटाइज्ड करेगा? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स। आप लोगों को ना डिटेल में पढ़ा के मतलब इन्हें एनसीईआरटी चटवाना चाहिए, एनसीईआरटी चालू करना चाहिए, उसी में से दिखा देना चाहिए, बस हो गया। उससे ज्यादा आप लोगों को ये करके कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या किया, ये बी लिम्फोसाइट था, बी लिम्फोसाइट के पास तीन बैक्टीरिया है, उसमें से मैच कितने हुए हैं, एक ही मैच हुआ, एक। ठीक है। तो बाकी को उसने नहीं अटैच किया, इसको अटैच करके आगे गया। अब ये किसका वेट कर रहा था, ये वेट कर रहा था कोई इसको एक्टिवेट करे। तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? हेल्पर टी, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स ने उसको एक्टिवेट कर दिया। फिर क्या हुआ, सो देन द बी सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स होगा वो इटसेल्फ इट विल डिवाइड और क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी मेमोरी सेल्स, ठीक है। अब देखो जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल्स ने क्या बना दिया, एंटीबॉडी। तो ये प्लाज्मा सेल ने जो एंटीबॉडी बनाया वो किसके सर पे जाके चिपक गया, मेमोरी सेल, एंटीजन एंटीजन। एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट अटैच टू द करेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर, इसके साथ चिपक गया। अब नेक्स्ट जाके क्या हो जाएगा, ये जो एंटीबॉडी इसके एंटीजन के ऊपर लगे होंगे उसको क्या करेंगे, किल करेंगे। क्या करेंगे? किल के करेंगे। तो किल करने के बाद ये बैक्टीरिया जो, ये एंटीजन जो है ग्रीन कलर का, ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो जाएगा। डेड हो जाएगा तो कचरा साफ करने वाला कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, तो कचरा साफ करने के लिए कौन आएगा, मैक्रोफेजेस आएगा। कौन आएगा? मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इसको क्या करेगा, खाने खा के जाएगा, तो उसको बहुत ही डिलीशियस लगेगा। और ये जो मेमोरी सेल है ये जिंदगी भर इस बंदे को याद रखेगा। अंडरस्टूड, सर। क्लियर? प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपको एक चीज सब कुछ समझ में आएगा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी। चले आगे, डन। यस सर। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एवरीवन कैन सी? यस। ओके, सो एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? ईच एंटीबॉडी इज मेजर, इट हैज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, टू स्मॉल लाइट चेन एंड टू
लार्जर हैवी चेन. तो कैन यू सी ये ब्लू कलर का, ब्लू और डार्क ब्लू कलर का आप लोगों को एक हैवी चेन दिख रहा है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड हैवी चेन. और ग्रीन और ग्रे कलर का दो क्या दिख रहा है? लाइट चेन. एवरीवन कैन सी द लाइट चेन? ओके, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस. ओके, तो अगर आप हैवी चेन और लाइट चेन देखोगे तो हैवी चेन और लाइट चेन में आपको दो दो कलर दिखाई दे रहे हैं. कैन यू सी द टू टू कलर? यस सर. तो टू कलर क्या है? एक को बोलते हैं कॉन्स्टेंट रीजन, जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट रीजन. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट रीजन, ठीक है. तो कैन यू सी कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन? एंड हियर कैन यू सी कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन? यस सर. ये देखो, ये ग्रे वाला जो है ये लाइट चेन का नीचे वाला पार्ट है, और जो ये डार्क अपना लाइट ग्रीन ये ब्लू कलर जो है ये किसका? हैवी चेन के नीचे वाला पार्ट है. तो दैट इज अ कांस्टेंट पार्ट, ठीक है. अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन. क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन. और इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन. और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा इधर पे कटा हुआ है. yes. दोनों का वेरिएबल चेन देखो एकदम टॉप पे वेरिएबल चेन दिख रहा है आप लोगों को. yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों को कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है. दैट इज द एंटीजेन बाइंडिंग साइट. दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेन बाइंडिंग साइट. क्या बोलते हैं इसको? एंटीजेन बाइंडिंग साइट. सही आपने लिखा है ना जो? नहीं नहीं, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है. साइट है जहाँ पे एंटीजन आकर के चिपकेगा. ओ सर, ओके. सर ऐसे दो चेन होने का क्या मतलब है? मतलब एक एंटीबॉडी पे दो ये चिपक सकते हैं ना एंटीजन. मतलब इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? वो तो समझे, दो एंटीबॉडीज चिपक सकते हैं, बट ये ऐसा छोटा और एक बड़ा, ऐसा क्यों? अरे वो उसका बना हुआ है, एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है. ये वायरस कैसे हुआ है? ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ठीक है. और ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, और यहाँ पे क्या हो गया? बाइंडिंग साइट है. सो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस मतलब अटैचमेंट है ना दोनों चीज़ की? हाँ, तो ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये क्या है? कौन से उससे बना हुआ बॉन्डिंग है? दैट इज अ सल्फर बॉन्डिंग है. कौन सी बॉन्डिंग है? सल्फर बॉन्डिंग है. So both heavy chain attached to each other by which bond? Sulfur bond. By disulfide bond. By disulfide bond. ठीक है. सर ये नीचे वाले को constant और ऊपर वाले को variable क्यों बोला? जो variable part होता है ना उसमें क्या है कि there is a what attachment? There is a given the attachment for anti. Antigen. इसलिए उसको वेरिएबल चेन बोलते हैं. सर ये जो दो हैवी चेन्स है वो अटैच होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एंड जो स्मॉल एंड जो बिग है वो भी सेम बॉन्ड से अटैच होंगे ना? हाँ, सेम बॉन्ड से अटैच है. अंडरस्टूड? ये देखो, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है. Sir, here can you see the antigen binding site? Yes, sir. That antigen binding site is also called as the what? Paratops. क्या बोलते हैं? Paratop. क्या बोलते हैं? Paratop बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Paratop. अब antibodies कैसे recognize करेगा? The antibodies recognize and bind the specific antigen to form what? एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है.
since most of carry two antigen binding sites, so they are called as bivalent. तो कितना binding site है antibody पे? एक है कि दो है? दो. दो. Hence it is called as a bivalent. क्या बोलते हैं? So paradox से बताओ ना. क्या? Paradox. एंटीजन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम है पैराटॉप. यार ये मैसेज मत लिखो मेरे को बार बार, हाँ जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ लो, डोंट रेड द मैसेज. केतारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एक्सप्लेन करिए. सॉरी कर चुका हूं. डन एवरीवन? यस सर. ओके सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दीज आर? विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? किस में आएगा? बी में कि टी में? बी लिम्फोसाइट. So how many types of antibodies are there in the B lymphocyte? There are total five types. Okay, which five types? IgA, IgG, IgM, IgE or IgD? Sir. हाँ. Sir IgD बताओ ना सर, कहीं produce होता है क्योंकि NCERT में इसका नाम नहीं लिखा था सर. देखो IgD जो होता है ना वो IgD that is a non-specific, मतलब कि हर बार मोस्टली जो IgG होता है और IgM होता है, ठीक है, मोस्टली यही प्रोड्यूस होता है और इसी का हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं. ठीक है, ए ई का कब करवाते हैं? ई का हम लोग ड्यूरिंग एलर्जी के टाइम पे करवाते हैं. ठीक है, और डी यू का हम लोग इम्यूनोग्लोबिन चेक करते हैं जनरलाइज, और कब करते हैं? दैट इज द ट्रांसप्लांट के टाइम पे. हाँ सर. डन, चले आगे. यस सर. यस. ओके सर, आईजीडी वाले का फॉर्म बताओ ना एक बार. सर डी से क्या होता है सर? डी का कुछ वो नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, वैसा नाम ही रखा गया. ठीक है. हाँ सर. आईजी का फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन. ये देखो सबका ये है अपना स्ट्रक्चर है, प्लीज ड्रॉ और यू कैन राइट डाउन. ठीक है, ए ई जी डी एम दिख रहा है आप लोगों को. जी में कितने एंटीजन आ सकते हैं? ब्लू वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो अगर आप डी देखोगे, ई देखोगे और जी देखोगे, तीनों कितने हैं बाइंडिंग साइट? दो. पर आईजी आईजीए में कितने बाइंडिंग साइट हैं? फोर. और आईजीएम में? टेन. सो प्लीज राइट इट डाउन. एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, हेंस देयर इज चांसेस. सर हो गया सर. डन एवरीवन? सबका हो गया? यस. ओके Now look here, can you see?
एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दीज आर द टू टाइप, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है. फर्स्ट इज द ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, सो कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स. कितने टाइप के एंटीबॉडीज मिलेंगे? दैट इज गेम्ड. ओके, नेक्स्ट इज द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, वॉट हैपन इन दैट टी लिम्फोसाइट मीडिएट. तो देखो ये जो है पहला वाला, ये क्या है? दिस इज फॉर बी लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट, ठीक है. हियर इफ यू सी दैट टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. प्लीज राइट डाउन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्ट? ग्राफ्ट मतलब कोई ट्रांसप्लांट अगर कर रहते हैं तो उसको ग्राफ्ट बोलते हैं ना. जैसे अगर हम लोग पेड़ पे कोई नया पेड़ लगा रहे हैं, दो पेड़ को ज्वाइन कर दो, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं ना. आपको yes, पता sir. है कि नहीं, जब हम लोग किसी भी प्लांट पे दूसरा प्लांट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड अ ग्राफ्ट. तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं जनरलाइज. सर मतलब ट्रांसप्लांटेशन और वो सेम ही हो गया ना? ग्राफ्ट उसको बोलते हैं, अगर मतलब ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन लिखा होता तो भी चलता था. ओके सर. Done everyone? Wait sir. Okay. एक चीज हमेशा याद रखो, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगा वो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, और जो ये है वो टी लिम्फोसाइट है, सेल मीडिएटेड.
डन सर ओके सो नेक्स्ट ओके सो इफ यू सी टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट एंड द पेशेंट हैज टू टेक इम्यून सप्रेसेंट ऑल हिज लाइफ इम्यून सप्रेसेंट जो यूज होता है आपको इसमें भी नीट में भी एग्जाम में आ चुका है दैट इज फॉर द साइक्लोस्पोरिन तो एग्जाम में आया था कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन वी यूज तो स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि साइक्लोस्पोरिन क्या होता है ठीक है तो 99% पीपल्स राइट हिपेरिन ब्लड क्लॉट रहते हैं तो ब्लड क्लॉट वी आर टेकिंग व्हेन वी आर गो फॉर व्हाट स्टेंटिंग मतलब कि जो है हम लोग एंजियोग्राफी कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी करते हैं बाईपास करते हैं तब हम लोग हिपेरिन लेते हैं ठीक है यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं दैट इज अ साइक्लोस्पोरिन व्हाई वी हैव टू टेक इम्यून सप्रेशन नॉर्मली क्या है आपको बैक्टीरिया से बचना बहुत जरूरी है कि मरने से बचना मरने से बचना जिंदा रहोगे तो बैक्टीरिया लेके भी जिंदा रहोगे क्या फर्क पड़ता है ना हाँ सर लेकिन रहोगे ही नहीं तो बैक्टीरिया का रहना ना रहना क्या फर्क पड़ता है ठीक है सो व्हाट हैपेंड वी आर यूजिंग और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हम सामने वाले को मारने को सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे ना क्योंकि देखो किसी किसी को धुएं से और किससे भी एलर्जी किसी भी चीज से एलर्जी होती रहती है तो दैट इज गुड और बैड बैड इट इज बैड इट इज बैड तो इसलिए हम लोगों को इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है ठीक है क्लियर है और ट्रांसप्लांट के बाद तो लाइफ टाइम लेना पड़ता है ठीक है तो कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो तो भी लेना पड़ता है हाँ कोई भी ऑर्गन है क्योंकि देखो चोरी हम लोग करते हैं हमारा बॉडी नहीं करता ठीक और बॉडी को पता है कि आपने दूसरे की किडनी लाई है दूसरे की किडनी लाई है तो वो उसको क्या करेगा बोला नहीं 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 मैं दूसरे का कोई भी चीज नहीं रखूंगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और उसने रिजेक्ट कर दिया तो जिसकी किडनी है वो क्या हो जाएगी उस बेचारे का पैसा भी जाएगा और किडनी भी जाएगी ठीक है सर मतलब ऐसे नहीं होता कि ज्यादा टाइम होते जाएगा तो डोज ऐसा कम कम होते जाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता क्लियर है चले आगे yes. If there is a need, we have to increase the dose also. ठीक है? अगर need हुआ तो हम लोगों को dose increase करना पड़ता है. And ऐसा regular checkup भी होता है? हाँ, उस पर regular checkup होगा. अरे kidney के जो patient होते हैं ना, उनका बहुत ही ज़्यादा problem होता है. मतलब कि कोरोना में इसका उसका उनको बहुत ही बैक्टीरिया ऑक्टीरिया से बचा के रखना पड़ता है ना क्योंकि हम लोग उनको ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं ठीक है सो दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन समझे सर आपने जो मेडिसिन का नाम लिखा है वो किडनी के लिए है ना किडनी नहीं साइक्लोस्पोरिन जो है इम्यूनोसप्रेसेंट है तो जहां पे इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है तो वी आर यूजली यूज साइक्लोस्पोरिन चलो आगे हाँ सर सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाउ मेनी टाइप टू टाइप एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ये कराया ना मैंने हाँ अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है सो हियर इफ यू सी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अ होस्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन दैट इज लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन दैट इंटर इन आवर बॉडी प्रोड्यूस द
antibody to seen that foreign particles. It is slow process. It is produced by two ways. First is natural active immunity. Second is artificial active immunity. Natural में क्या होगा? Natural में naturally हम लोग होंगे. मतलब during natural infection by microbes and artificial में क्या होगा? During the microbe delivery during immunization. ठीक है? तो इसका example क्या दे सकते हैं? Corona दे सकता हूँ? Yes sir. हाँ. इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन दे सकता हूँ? Yes sir. That viral infection is a natural infection ना, तो उसके लिए हम लोगों ने किसी को बॉडी में इंजेक्ट किया क्या? No sir. नहीं किया. तो प्लीज राइट डाउन. बड़ा जल्दी जल्दी करो. आई हैव टू कंप्लीट इट्स आल्सो. सर कैंसर तक ना. नहीं नहीं एड्स तक ही होगा और आपको एग्जाम में एचआईवी एड्स तक ही आना. सर कैन यू शो प्रीवियस स्लाइड. ओके सर. पर प्रीतेश सर ने कल मैसेज डाला था कि कैंसर तक है. हाँ मैंने भी प्रीतेश सर को मैसेज डाला था कि अगर मैं कैंसर तक जाऊंगा सो ऐसा हो जाएगा कि मैं भगा, तो थोड़ा कम ही पढ़ो, नेक्स्ट टाइम पे वो कर लेंगे उसको. ठीक है तो एड्स तक ही आएगा ना सर. हाँ एड्स तक ही आएगा. चलें आगे. यस ये पार्ट. हाँ सर. वेट सर. ओके done. Yes wait sir. वो example live living or dead microbes का एक बार बताना सर. हाँ सर. वो लिखे ना host body in response to antigen. हाँ देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो antibodies हो रहा है कहाँ पे बन रहा है? body के अंदर. In the host body, ठीक है? किसके रिस्पॉन्स में बन रहा है? एंटीजन के. अभी एंटीजन लिविंग एंटीजन भी हो सकता है, डेड एंटीजन भी हो सकता है, अदर प्रोटीन भी हो सकता है. देखो मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप पे ये किया है, एक इमेज भेजा है, दिख रहा है? हाँ तो उसमें देखो आपको पांच टाइप के वैक्सीन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है? दिख रहा है? वैक्सीन के टाइप है. पहला जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है. दूसरा क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. तीसरा क्या है? दैट इज द प्यूरिफाइड एंटीजन है. चौथा क्या है? टॉक्सॉइड है. पांचवा क्या है? वायरल है. वायरल. तो उसमें देखो क्या होता है, कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, जो लाइव वैक्सीन होते हैं. क्या होते हैं? लाइव. लाइव एटेन्यूएटेड. एटेन्यूएटेड का मतलब है उनका पावर कम कर दिया गया है. उनका पावर कम कर दिया गया है तो उन लोग आपको अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉडी आपकी उनको देख करके क्या कर सकती है? एंटीबॉडी बना सकती है. क्लियर है? समझा? कोविड का वो किल्ड एंटीजन आएगा ना. हाँ तो वो जो है किल्ड है. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कोई भी वैक्सीन आएगा और क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ विच वैक्सीन. ठीक है,
तो मोस्टली लाइव वैक्सीन लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन के ही एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में. ठीक है चलो आगे. यस सर. पैसिव, पैसिव में क्या था ये पढ़ाया था मैंने आपको. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रहा है. क्या मिल रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी. इट इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल पैसिव. नेचुरल पैसिव मतलब कहाँ से, मम्मी से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है, मम्मी से आ रहा है. तो मम्मी के बॉडी में नेचुरली बन रहा है कि मम्मी ने इंजेक्शन लेकर के आई है. इंजेक्शन लेकर के आई है. ठीक है तो यहाँ पे क्या है, दैट इज एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर प्लासेंटा देन फिटस. एंटीबॉडीज दिस दिस कोलेस्ट्रॉल, मतलब प्लासेंटा से कौन सी एंटीबॉडीज क्रॉस होती है. क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज क्रॉस द मदर प्लासेंटा, दैट इज आईजीजी. ठीक है एंड विच ये एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल, दैट इज आईजी. मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज रहता है वो जब वो प्रेग्नेंट होती है एंड जब वो इंजेक्शन का डोज देने जाते हैं तब मिलता है ना. हाँ अब यहाँ पे क्या है, ये जो है आईजीजी है वो नॉन स्पेसिफिक है. ठीक है सो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है क्या है, दैट इज टिटनेस. मैंने बताया आप लोगों को. यस मैंने बोला ना कि मम्मी ने आर्टिफिशियली टिटनेस का इंजेक्शन लिया था ना, सिक्स मंथ एंड एट मंथ में. तो वही टिटनेस का इंजेक्शन का जो ये था अपना एंटीबॉडी जो कहाँ पे गया, बच्चे के बॉडी में गया. हाँ सर. थ्रू लैक्टेशन. या सर अगर इंजेक्शन का डोज मदर के लिए डबल हो जाए, मतलब अगर गलती से उसने दो दो ले लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना. नहीं कुछ नहीं होता है, इम्यूनिटी के टिटनेस के लिए कुछ नहीं होता है. Done everyone? हो गया. एक मिनट. सर्जरी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे वी आर यूजिंग व्हाट आयरन और द स्टील ये ना सीजर और द अपना ये स्काल्पेल, इसलिए एज अ प्रोफिलैक्सिस वी ऑलरेडी गिव्स अस. डन सर. Done. Okay. Now, if you see the immunization, देखो, लिखवा दिया मैंने सर. Done. अब यहाँ पे देखो, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. देर आर टू टाइप, विच टू टाइप, एक्टिव इम्यूनाइजेशन दैट इज वैक्सीनेशन. ठीक है सो अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन दैट इज एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेन और इनएक्टिवेटेड पैथोजेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी
The antibodies produced against these antigens that neutralize the pathogenic agent during actual infection. Understood? That is called as the active immunization. So, उसमें हम लोगों ने क्या किया? क्या inject किया? Weakened bacteria. Weakened bacteria और inactivated bacteria. तो उसको देख करके body ने क्या बनाया? Antibodies. Body. So that antibodies will help to fight the bacteria during the next actual infection with that bacteria. Okay? सर स्लो प्रोसेस होगा ना. हाँ जैसे बीसीजी बीसीजी किसके लिए देते हैं? ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग बीसीजी लेते हैं. ठीक है तो वैसा ही है. डन. वेट सर तो ब्रेक नहीं है? नहीं नहीं ब्रेक नहीं है. सर हम स्क्रीनशॉट्स ले ले बिकॉज़ लिखनेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा. यू कैन. थैंक्स.